युवा प्रवासी भारतीय दिवस के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, आज के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित नॉर्वे से माननीय सांसद श्री हिमांशु गुलाटी जी, न्यूजीलैंड के माननीय सांसद श्री कमलजीत सिंह बख्शी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विदेशी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्याम दिनेश्वर मुलय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और दुनिया के विभिन्न देशों से यहां पर पधारे सभी प्रवासी भारतीय भाइयों बहनों, मैं युवा प्रवासी भारतीय दिवस के इस समारोह में दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी बाबा विश्वनाथ की इस पवित्र धरती पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने देश के माननीय विदेश मंत्री जी का, जिन्होंने 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन नगरी काशी में आयोजित करने का अवसर हम सबको दिया है। यह प्रवासी भारतीय दिवस हम सब के लिए अनेक मामलों में महत्वपूर्ण है। हम सब के महान नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और तब से लेकर के लगातार प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को अपने जड़ों से जोड़ने, उनके अनुभव और उनकी प्रतिभा का लाभ भारत ले सके, इस दृष्टि से इन कार्यक्रमों ने जो ऊंचाइयां हासिल की विगत 4.5 वर्षों के दौरान, इस मामले में किए गए प्रयास अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को यह पहला अवसर प्राप्त हुआ है जब हम प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इन आयोजनों को उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित कर सकें। और इस बार का आयोजन इसलिए भी हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम 2003 में पहले एक दिवसीय था, केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद इसे 2 दिवसीय किया गया और इस वर्ष का प्रवासी भारतीय दिवस 3 दिवसीय है, जिसमें दुनिया के अंदर रह रहे
अप्रवासी युवा भारतीयों को भी हम इस आयोजन के साथ जोड़ सकें और आज ये युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। हम सब के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर हम सबको दुनिया के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ मानवता के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम प्रयागराज कुंभ में जाने का अवसर भी हम सबको प्राप्त होगा। एक उभरते हुए, एक बदलते हुए, एक समृद्ध भारत की तस्वीर को गणतंत्र दिवस परेड के रूप में नई दिल्ली में देखने का अवसर भी दुनिया के अंदर रह रहे सभी अप्रवासी भारतीयों को पहली बार इस आनंद को लेने का भी अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से अनेक कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने का जहां यह अवसर हम सबके सामने है, वहीं दुनिया के अंदर भारत की प्रतिभा किस रूप में अपने आप को अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपना लोहा मना रही है, यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश है भारत और भारत में सबसे बड़ा युवा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। 23 करोड़ की हमारी आबादी उत्तर प्रदेश की वर्तमान में है। 23 करोड़ की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है और देश का सबसे अधिक युवा हमारे पास उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के इन युवाओं के बारे में हम सब ने जो कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए हैं 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद जो अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट से लेकर के स्टैंडअप की, स्टार्टअप की, डिजिटल इंडिया की, मेक इन इंडिया की, इन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किस रूप में जोड़ करके आगे बढ़ाया है, कैसे उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके एक बार पुनः देश के इस हृदय स्थल को दुनिया के सबसे अच्छे निवेश और टूरिज्म की दृष्टि से सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, यह कार्य विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर जो लागू किया गया है वह तस्वीर भी आप सबको देखने को प्राप्त होगी। स्वाभाविक रूप से दुनिया के अंदर तमाम देशों में आप सबने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया है, अपनी प्रतिभा के माध्यम से लोगों को एक नई दिशा दी है। आपका पुरुषार्थ, आपका परिश्रम, आपकी प्रतिभा जहां भी कुछ नया की है उससे न केवल आपको सम्मान मिला है बल्कि आपके सम्मान के साथ पूरे देश का सम्मान जुड़ जाता है, भारत का सम्मान भी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है जो हमारे युवा मामलों के मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर कह रहे थे कि भारत के प्रति जो सम्मान का भाव है, हमारे यहाँ रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग हो सकती हैं, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, उपासना विधियों में थोड़े बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत के अंदर एक भाव है, एक भंगिमाएं हैं। पूरे भारत को जिस रूप में हम लोगों ने देखा है और जो हमारे वेदों का उद्घोष रहा है
कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस हम सबको एक बार पुनः अपनी जड़ों के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त प्रदान करता है। सचमुच हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी, और मुझे लगता है कि जननी और जन्मभूमि का कोई विकल्प नहीं हो सकता, यह भाव हम सबको प्रस्तुत करना ही होगा। जब हम यहां पर युवा प्रवासी भारतीय दिवस के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं, बहुत सफलतापूर्वक पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस रूप में हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को लागू किया है, या उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को कैसे यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम यहां के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, उनके प्रोडक्ट की मैपिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग की व्यवस्था प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है, इससे जुड़ी हुई एग्जीबिशन में ये सब आपको देखने का एक अवसर भी प्राप्त होगा, और उसके माध्यम से आपके महत्वपूर्ण जो सुझाव होंगे वे सुझाव इस क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं और उन परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों को आगे बढ़ाने में हम सबको बहुत महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। आज के इस अवसर पर जब आप सब दुनिया के विभिन्न देशों से अपने इन जड़ों को तलाशने के लिए एक बार पुनः भारत की इस धरती पर आए हैं, भारत की सबसे प्राचीन नगरी काशी के इस पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि काशी की इस धरती पर आप काशी की बदलती हुई काशी की इस तस्वीर को देखेंगे। काशी की प्राचीनता को, यहां की सभ्यता, यहां की संस्कृति, यहां के संस्कार को बनाए रखते हुए कैसे काशी को भौतिक विकास की आधुनिक नगरी के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 4.5 वर्षों के दौरान बदलती हुई काशी आपके स्वागत के लिए यहां पर एक बार पुनः खड़ी है। आप सबने देखा होगा या आपको काशी के इस बदलते हुए स्वरूप को, जो काशी को पहले गलियों का शहर कहा जाता था, आज उसमें काफी परिवर्तन हुआ है। काशी के मंदिरों की बदलती हुई तस्वीर, काशी के घाट, काशी में गंगा जी का प्रवाह, काशी में गंगा आरती, और काशी की वे विविधता जो दुनिया को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है, इन सब को देखने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। 1916 में काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज भी दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने में अपनी उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। काशी के माध्यम से हमने भारत की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ ही काशी विकास की जिस नई ऊंचाइयों को लेकर के दुनिया के सामने एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो रही है, मुझे लगता है कि वह आप सबके स्वागत के लिए उतनी ही उतावली भी दिखाई दे रही है, और मुझे विश्वास है कि आप सबको काशी दर्शन का आनंद भी इन 3 दिनों के अंदर प्राप्त होगा। इसके साथ ही प्रयागराज कुंभ भी आपके स्वागत के लिए पूरी तरह उत्सुक है, और मैं इसे संजोग कहूंगा और आदरणीय विदेश मंत्री जी का मैं हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करूंगा कि प्रवासी भारतीय दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा संजोग है कि जिस जब 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन है, इस अवसर पर प्रयागराज का कुंभ भी चल रहा है। आज भी प्रयागराज में एक स्नान है, पौष पूर्णिमा का पवित्र स्नान वहां संगम के तट पर चल रहा है, और आप आश्चर्य करेंगे 450 वर्षों के बाद
प्रयागराज में कुंभ के उस क्षेत्र में अक्षय वट के दर्शन करने और सरस्वती कुप के दर्शन करने का सौभाग्य भी श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है। यानी 450 वर्षों तक, मुझे लगता है जब आपके पूर्वज भी भारत में रहे होंगे उस समय उन्हें भी यह अवसर, अगर उन्हें कभी कुंभ के दर्शन या प्रयागराज में संगम के तट पर दर्शन करने का आनंद प्राप्त हुआ होगा, उस समय अक्षय वट और सरस्वती कुप के दर्शन करने का सौभाग्य हो सकता उन्हें न प्राप्त हुआ हो। लेकिन आप अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हैं कि जो प्रयागराज की धरती पर जाएगा इस वर्ष उन्हें अक्षय वट और सरस्वती कुप के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। कुंभ में यह आनंद और एक साथ कैसे स्वतः स्फूर्त भाव के साथ एक नई टाउनशिप कैसे अस्थायी रूप से बसती है, डेढ़ महीने के लिए ही सही लेकिन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ बसेगी। और हमारा मानना है कि कुंभ का आयोजन जो मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक 4 मार्च तक चलेगा, इस दौरान 15 करोड़ श्रद्धालुजन प्रयागराज की धरती पर आएंगे। हमने प्रयास किया है कि भारत के सभी 6,00,000 गांवों का प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में प्रयागराज की धरती पर हो। 22 फरवरी की तिथि हमने अपने माननीय विदेश मंत्री जी के सहयोग से तय की है, जब दुनिया के 192 देशों का कम से कम एक प्रतिनिधि प्रयागराज की धरती पर अवश्य उपस्थित हो। इससे पहले विदेश मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने कुंभ को वैश्विक स्वरूप प्रदान करने के लिए दुनिया के 70 से अधिक देशों के राजदूतों ने अपने अपने राष्ट्र ध्वज को कुंभ में स्थापित किया और उन्होंने स्वतः प्रेरित दुनिया के और मानवता के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम में जो कार्य स्वतस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा था उससे वे अभिभूत दिख रहे थे। हमारे विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी उस अवसर पर स्वतः उस कार्यक्रम में मौजूद थे। कैसे गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूरी दुनिया आती भी दिखाई देती है। आप सब भी कुंभ का आनंद अवश्य लेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के इस आयोजन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब काशी आतिथ्य का आनंद लेंगे, अपने अनुभव, अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को और हमारे देश के युवाओं को देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। अनेक अनेक धन्यवाद। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपका सम्मान बढ़ता है तो हमारा भी तो सम्मान बढ़ता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट हिज एक्सलेंसी मिस्टर हिमांशु गुलाटी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्वे, टू प्लीज शेयर हिज थॉट्स विद अस। श्री हिमांशु गुलाटी साल 2012 से लेकर साल 2014 तक नॉर्वे की प्रोग्रेस पार्टी युवा के अध्यक्ष रहे। साल 2013 से लेकर साल 2014 तक ये न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री रहे और साल 2014 से लेकर साल 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ आप जुड़े रहे। सो प्लीज एड्रेस द गैदरिंग। थैंक यू। Honorable Minister of External Affairs, Shri Sushma Swaraj ji, Honorable Minister of Youth and Sports Affairs, Shri Rajyavardhan Singh Rathore ji, Honorable Minister General V.K. Singh ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Member of Parliament from New Zealand, Bakshi ji, विश्व भर से इकट्ठे हुए सब प्रवासी भारतीयों को मैं दिल से नमस्कार कहना चाहूंगा। 40 वर्ष पहले मेरे माँ बाप भारत से, दिल्ली से नॉर्वे गए। नॉर्वे एक ऐसा देश जहां सर्दियों में कभी कभी 24 घंटे अंधेरा होता है और गर्मियों में कभी कभी 24 घंटे रोशनी होती है। और हमारे जीवन में ये शायद सबसे बड़ी गर्व की बात है कि भारत में हम प्रवासी भारतीयों को
इस तरह से सम्मान दिया जा रहा है और इस तरह से आदर किया जा रहा है। मेरे माँ बाप भी मेरे साथ आए हैं यहाँ पे और मैं सुषमा स्वराज जी को और भारत सरकार को धन्यवाद कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम के लिए, और मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में काशी में गंगा किनारे हमें हमारा स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे। माई नेम इज हिमांशु गुलाटी, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन नॉर्वे एंड थैंक यू। And Norway is a country of only 5.5 million people, 55 lakhs, which for many years have been scoring highest on the happiness index in the world. So Norwegians are among the happiest people in the world, despite not growing up watching Sachin Tendulkar play cricket or Amitabh Bachchan's movies. Wo bhi mumkin hai. And Norway is a country with a lot of oil, a lot of natural resources. Hamare samundar mein tel bahut hai. Lekin, doston, the biggest natural resource that we possess and that the youth of India and the youth of the world possess is the natural resource between our ears and the natural resource in our hearts. There is no limit to what youngsters can achieve, and I'm therefore very happy that this is an event for the youth of Indian origin from all over the world, because the only limits that we have to what we can achieve are the limits that we set ourselves in our minds. Gandhiji once said, "Be the change you want to see in the world." And this reminds me of a saying that is very often written in canteens and in kitchens across Norway. There's a saying there, which you can find many places, that your mother does not work here. Aapki mummy yahan kaam nahi karti. Aur isme message bahut similar hai. Agar aap apne ghar ki, agar aap apne samaj ki safai khud nahi karoge, agar aap ye zimmedari khud nahi loge, to koi aur bhi nahi lega. Be the change you want to see in the world. Be the change you want to see in your community. Gandhiji also said that the people who think they are crazy enough to change the world are the people who usually do. And as people of Indian origin across the world, we really have the chance to impact the world and change the world. It is a matter of big pride that the CEOs of some of the biggest companies, whether it's Google or Microsoft, are people of Indian origin and who have gone to the United States. And it is also an illustration of the power of our Indian heritage, culture, and values that we are brought up with, that if you look to the United States today, there are currently 3 ladies in politics who are all being considered contenders for the presidency of the United States in the future. Is duniya mein koi kisi se kam nahi. Kuch log apne aap ko dusron se bada zarur samajhte hain. लेकिन इस दुनिया में कोई किसी से कम नहीं। यू कैन अचीव एनीथिंग यू वॉन्ट, बट टू अचीव समथिंग यू मस्ट स्टैंड फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इन। फाइंड योर पर्पस इन लाइफ, बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट दोज हु स्टैंड फॉर समथिंग एंड फाइट फॉर समथिंग दे बिलीव इन। इन क्लोजिंग आई वुड लाइक टू मेंशन अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सो कॉल्ड फेलियर्स इन द वर्ल्ड। The Beatles, one of the most popular bands in the world, were once kicked out of a record company because they were told that their music was not good and they had no future in the show business. Michael Jordan, one of the biggest athletes in the world, was kicked out from his high school basketball team because he was not good enough. Oprah Winfrey, perhaps the most famous TV personality in the world, was kicked out as a news anchor and was told that she was not suitable for television. And why am I saying this? Well, my message here today is that you who are sitting here, the youth, are the most powerful force in the world, and you can achieve anything that you want. But
When you try to do something great, something extraordinary, there are a lot of people who will talk you down and discourage you. Or closing mein, main isliye ek Hindi gaane ke lyrics ko cite karna chahunga, kyunki mere khayal se isme ek bahut hi powerful message hai. Jab aap kuch karna chahoge, to kuch to log kahenge, kyunki logon ka kaam hai kehna. Lekin chodo bekar ki baaton ko, kahin beet na jana rehna. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. As he just said, be the change you want to see in the community, and we wholeheartedly agree. Ladies and gentlemen, I'm now going to request the guest of honor this morning, Mr. Kamaljeet Singh Bakshi, Member of Parliament, New Zealand, to please share his thoughts with us on this occasion. Shri Kamaljeet Singh, New Zealand mein Bhartiya pehle aur pehle Sikh sansad hain. He is also the adhyaksh. Ye adhyaksh hain New Zealand ki kanun aur vyavastha chayan samiti ke. Sir, we are very honored with your presence. Please share your thoughts with us on this occasion. Thank you very much for your kind words and introduction. Namaskar, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum. I would like to greet you in native language of New Zealand, which is Tereo, and which says, Tena koto, tena koto, tena koto, katoa, which means we welcome every each and everyone on this hall. Honorable Sushma Swaraj, normally I call her Bhanji, but being on the dais, sharing this dais, it's my pleasure and to acknowledge your presence here. I would also like to acknowledge Yogi Adityanath ji, the Chief Minister of Uttar Pradesh, the biggest state in India. When Uttar Pradesh was unified with Uttarakhand, New Zealand is that big what Uttar Pradesh used to be. Can I acknowledge Rathore ji for your presence and being a leader of youth, and General V.K. Singh ji, who visited New Zealand recently, and his presence gave a lot of enthusiasm to the diaspora over there. Your speech is still being remembered by a lot of people.